हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। सिनकॉम फॉर्मुलेशन का आज का करेंट प्राइस है 8.18 एंड 1.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सो फ्रेंड, जानेंगे आज की परफॉर्मेंस कैसी रही एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में आप इसमें क्या टारगेट्स देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है, अभी 8 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है मल्टी बैगर बनने का। हाई बनाया है 8.29, लो बनाया है 8.05। 52 वीक हाई की बात करें तो 19 रुपीज़ के आसपास है एंड 52 वीक लो की बात करें अगर हम तो आपको फ्रेंड्स 6 रुपीज़ के आसपास दिखेगा। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। सेबी की तरफ से 20% का सर्किट है इसमें फॉर द अपर एंड द लोअर सर्कल। तो फ्रेंड्स, शेयर अभी एक रेजिस्टेंस जोन में मूव करता है लेकिन बीच बीच में 5-7% का एक पॉजिटिव रिटर्न भी देता है अपने इन्वेस्टर्स को। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पी भी अच्छा है फ्रेंड्स इसका 41। एंड अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट टारगेट्स आप इसमें क्या देख सकते हैं, और अभी आपको 8 रुपीज़ में मिल रहा है बट लॉन्ग टर्म में ये 10 रुपीज़ को तो बहुत जल्दी, शॉर्ट टर्म में 10 रुपीज़ को बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा एंड लॉन्ग टर्म में आप इसको 50 रुपीज़ तक जाता आराम से देखने को मिलने वाला है। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। अभी ट्रेडिंग विंडो को इनसाइडर एम्प्लॉयज़ के लिए क्लोज किया गया है, ये लेटेस्ट एंड लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनके Q2 के रिजल्ट की डेट के रिगार्डिंग आने वाली है एंड फ्रेंड्स अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज करते हैं तो ये शेयर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता आपको दिखने वाला है। तो लास्ट क्वार्टर में फ्रेंड 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया था। सो अगर प्रॉफिट यहाँ से हमें डबल होता दिखे तो आप समझ लीजिए आपको इस शेयर को एक अच्छा रिटर्न मिलने के लिए तैयार है ये शेयर और आपको बने रहना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप तब भी आप फ्रेंड्स 10 रुपीज़ तक का टारगेट इसमें लेके चलिए ज़रूर। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस शेयर का काफ़ी अच्छा है। आप रेवेन्यू देखिए, 51 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी क्वार्टरली और एनुअली 219 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रही है कंपनी। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की, काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी प्रोमोटर्स ने अपना इंक्रीज किया था इसमें एंड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो आई हुई है कि वॉल्यूम इस शेयर में हमें बढ़ता देखने को मिलेगा बिकॉज NSE पे भी ये शेयर लिस्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि NSE पे भी लिस्ट शेयर होगा और एक पेनी स्टॉक है बट आपको डिविडेंड देती है, 0.03 का डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। अभी रिसेंटली आपको डिविडेंड मिला है तो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो डिविडेंड के बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस है। फ्रेंड्स पेनी स्टॉक कम ही डिविडेंड देती है, अगर पेनी स्टॉक आपको डिविडेंड दे रही है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक है और एक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स पेशेंस रखने की बात है, शॉर्ट टर्म वाले भी 10 रुपीज़ तक तो वेट कीजिए एंड लॉन्ग टर्म वाले तो फ्रेंड्स 50 रुपीज़ तक आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट आप इसमें क्या लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट अभी फ्रेंड्स ये आपको 8-9 के रेंज में ही मूव होता दिखने वाला है। नेक्स्ट टारगेट आप इसमें 8.60 का लेके चलिए अपर साइड में एंड लोअर साइड में 7.80 का लेके चलिए। तो 8.60 जाने के ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप नेक्स्ट टारगेट्स मैंने आपको दे दिए और शॉर्ट टर्म टारगेट मैं आपको 10 रुपीज़ का भी दे चुकी हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई रीसेंट लेटेस्ट और अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।